खबर पठानकोट पंचायत से आ रही। द्वारिकापुरी मंदिर पठानकोट में लगातार एक महीने से चलने वाली कार्तिक मास की प्रभात फेरी का विराम बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें भक्तों ने ठाकुर जी के सुंदर पालकी सजाए ढोल धमाके के साथ नाचते गाते हुए प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण में 5 बजे प्रारंभ हुई। शहर के विभिन्न गलियों से होते हुए मंदिर प्रांगण में प्रभात फेरी का विराम किया गया, जिसमें बाकी बिहारी जय हो तुम्हारी श्री राधे बरसाने वाली धुन लगातार राधे का नाम अनमोल नाच गाकर जहां पर बड़े धूमधाम के साथ ही भजन गाकर सबको नचाते हुए लोगों को मजबूर कर दिया। भक्तों का उत्साह देखने लायक था। कार्तिक मास के प्रभात फेरी का आयोजन पिछले कई वर्षों से श्री अरविंद पराशर जी की अध्यक्षता से होता हुआ इस वर्ष भी परंपरा का पालन आशीष पराशर, विजय शर्मा, कुलदीप, रणवीर बख्शी, रामपाल, सुनील शर्मा, विशाल महाजन सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर ठाकुर जी को 56 भोग भी लगाए गए। अंत में केसर वाला दूध और प्रसाद वितरण किया गया। प्राइम की न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट। राधे, श्री द्वारिकापुरी मंदिर में गत कई वर्षों से इस वर्ष भी उसी परंपरा का निर्वाह किया गया। पिछले कई वर्षों से श्री अरविंद पराशर जी ने प्रभात फेरी का आयोजन किया और इस वर्ष श्रीमानस परिषद के समस्त सदस्यों के सहयोग से आशीष पराशर ने भी इस परंपरा का पालन करते हुए कार्तिक मास के पूरे महीने में सुबह 5 से 6 बजे तक प्रभात फेरी का आयोजन किया। मैं समस्त नगरवासियों का, मोहल्ला वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम पूरी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। मैं आभारी हूँ द्वारिकापुरी मंदिर के समस्त संगत की, आदरणीय श्री चमनलाल जी, श्री सुनील शर्मा जी, श्री सुनील जी, श्री बलविंदर जी, विशाल महाजन जी, तरुण मल्होत्रा जी, अभिषेक पुरी जी, सुरेंद्र जी और रामपाल जी, विजय जी, कुलदीप जी की, जिन्होंने प्रतिदिन आकर बड़े उत्साह से मधुर भजनों के माध्यम से सभी को आनंदित किया। मैं प्रभु चरणों में यही निवेदन करती हूँ कि आगामी वर्षों में भी इस परंपरा का पालन बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से होता रहे। जय श्री कृष्ण।